तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं यहाँ पर आज का बीटीएसटी। आज का बीटीएसटी हम क्या लेके जाएंगे, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के बीटीएसटी में। अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा तो इंडेक्स पूरा फ्लैट यहाँ पे था। मेरा जो एनालिसिस था वो बता रहा था कि यार इंडेक्स कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं देने वाला, तो इसलिए हम लोग जो लेके गए थे वो रिलायंस और IEX। एंड आप ऊपर मॉर्निंग में जाओगे तो मैं टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिलायंस कैसा वर्कआउट किया, इधर आप ध्यान से देख सकते हो। एंड IEX में भी हमने डिसेंट यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर निकाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कहां पर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी किंग के चैनल पे। तो मैं जो लिंक है वो नीचे कमेंट पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर यहाँ पे बात करें हीरो जीरो की, तो हीरो जीरो देखो कैसे प्लान किया जाता है। जब मार्केट यहाँ पे इतना बुरी तरह गिर रहा था, कोई यहाँ पे प्लान नहीं कर सकता था कि 100 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल होगा। तो मेरा यहाँ पे क्या है, सिर्फ 10 से 30% का एक टारगेट था, एक एनालिसिस किया गया था जिसका जो CMP था 160 पे चल रहा था। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 208 चला गया। तो मेक श्योर कि मैं इन दी एंड क्या लेके जाऊंगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे वहां पे अपडेट दे दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं कि BTST का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो काफी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा यार सर एक एम पैटर्न है, बात बराबर है, पूरा सही है, लेकिन एम पैटर्न में ये जो फॉल है ये कंटिन्यू होना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या है, यहाँ पर अभी अटका रहा है, इवन इन निफ्टी 50 में भी अटका रहा है। और ध्यान से यहाँ पे लर्निंग पर्पज देखिए, यहाँ पे भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे एक मस्त पैटर्न दिखा, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया एंड वहां से गिरा, पर ये गिरा नहीं है। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि मार्केट अपने आप को प्रीवियस ब्रेकआउट जोन 44,250, जो रोज सुबह मैं आपको मैसेज देता हूं ऊपर वहां पे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो 250 वहां पर एकदम सपोर्ट जोन था। तो यहां से मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा व्यू अभी थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी 1 घंटा बाकी है मार्केट के क्लोज होने में। तो आइए यहां पे समझ लेते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर व्यू है क्या रहेगा, क्योंकि ये मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल जोन है। क्योंकि 44,250 अगर ध्यान से देखोगे तो हर बार यहीं से ही ब्रेकआउट हो रहे हैं, और यहीं से ही अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहां से शार्प ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो यहां पे वेरी सिंपल है कि अगर मार्केट 4,200 से 250 के नीचे, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बीटीएसटी क्या, समझो चीज को, ठीक है। 250 से 250 के बीच में खत्म करेगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। 200 के नीचे खत्म करेगा, इट्स अ क्लियर कट नेगेटिव। मेरे को मार्केट अगर पॉजिटिव चाहिए तो मुझे 44,400 जो इसका प्रीवियस यहां से जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, अगर इसके ऊपर आता है तो ही पॉजिटिव है, वरना नहीं तो मैं आज भी इंडेक्स को खाली छोड़ दूंगा। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आती है तो मैं एट द मनी, मतलब 44,500-400 मेरे यहाँ पे पिक रहेंगे। नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो 44,200-44,100 यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मेरे पिक यहाँ पे रेडार पे रहेंगे। और रही बात निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे बात करेंगे, इवन मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बात कर रहा था, ये जो बाउंस था, अगर आप ये जो लास्ट जो बाउंस है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो बाउंस है वो कैसे एक्सपेक्टेड किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन से किया गया था। बोलोगे सर मुझे भी ऑप्शन चेन सीखना है, तो पहले काम करो वीडियो पे कितना टारगेट ले लेते हैं, हम वीडियो पे ले लेते हैं 100 लाइक्स का टारगेट एंड मुझे 50 यहाँ पर सब्सक्राइबर चाहिए, राइट। तो मेक श्योर कि डू यहाँ पे लाइक एंड शेयर। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन चेन मास्टर क्लास यहाँ पे निकाल दिया, डेट यहाँ पे देख लेना 24 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं ये कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और टेलीग्राम पे भी रहेगा। तो मेक श्योर कि 249 में पूरा एकदम इन डेप्थ आप आके यहाँ पर समझ लेना कि ऑप्शन चेन क्या होता है। यहाँ पे भी एक एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट को गिरना जो फॉलो थ्रू देना चाहिए था मार्केट ने वो नहीं दिया। तो मार्केट के पास ये जो पहले जो रेजिस्टेंस था 19,480, जब तक इसके नीचे आएगा मेरा व्यू नेगेटिव नहीं रहेगा। इंडेक्स को कई बार आपको छोड़ देना पड़ता है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर ये चीज सीख रहे हो तो मुझे बताओ कि आप सीख गए हो तो लाइक जरूर ठोक देना, ठीक है। तो 19,480 के नीचे आएगा तो ही नेगेटिव रहेगा एंड मेरा पॉजिटिव भी रहेगा 19,550 के ऊपर तो ही मैं पॉजिटिव रहूंगा। सीधी से बात है मैं एट द मनी प्रीफर करूंगा। जिन लोगों को एट द मनी भी नहीं पता क्या होता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे बना चुका हूं, दोबारा एक बार वीडियो वापस से बना दूंगा। तो लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट के लिए कोई टचिंग जोन नहीं है। लेकिन आज हमने एक चीज हमारे इक्विटी किंग में आज हम लोग क्या सीखी, अगर इंडेक्स हमारा फेवरेबल नहीं है तो आप यहाँ पे देखोगे जो स्टॉक्स हैं, आप लोगों को स्टॉक्स भी यहाँ पे काफी अच्छे, यहाँ पे ये देखो 2,000-3,000 ग्लोबस आज 3% का रिटर्न हमें यहाँ पे देके चला गया। तो ये जो चीज है आपको कहाँ मिलेगी, मैं क्या लेके जाऊंगा इन दी एंड, अगर इंडेक्स कहाँ पे क्लोजिंग देता वो मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहां पर आ जाना एंड यहाँ पे करंटली इंडेक्स को थोड़ा नो टचिंग जोन है, एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है इन दी एंड के तरफ यहाँ पे, ठीक है। सो मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करंटली बीटीएसटी इंडेक्स इज लिटिल बिट कॉशियस, दैट्स माई व्यू, अनटिल अनलेस क्लोजिंग अच्छे से नहीं आती है तब तक। क्लोजिंग अगर अच्छी आती है मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं इन दी एंड आप लोगों को बता दूंगा। चलिए थैंक यू।